नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इन दिनों बच्चों पर एक नई आफत आई है। बच्चे यहां निमोनिया की बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि आमतौर पर हर सर्दियों के मौसम में बच्चे निमोनिया जैसी बीमारियों से जूझने लगते हैं, लेकिन इस वर्ष ये आंकड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। छतरपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड पर 40 बिस्तर हैं और इन 40 बिस्तरों पर बच्चे भर्ती हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे निमोनिया की बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि कई बच्चों को दूसरी सर्दी से जुड़ी मौसमी बीमारियां भी हैं। डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं वो सुनिए। इस समय जो मौसमी बीमारी में अधिकतर निमोनिया के बच्चे ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत सामान्य बीमारियों के बच्चे आ रहे हैं। निमोनिया से बच्चे के लिए पहली प्राथमिकता ठंड से बचाव करें और बच्चों का तो मौसम सब्जियां दें, फल दें और खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखें। जी सर। और सर कितने बच्चे हैं अभी सर भर्ती? अभी बच्चे हमारे 40 बच्चे भर्ती हैं। बेड कितने हैं? बेड भी करीब 40 है। स्टाफ की सर कैसी क्या व्यवस्था रहती है तीन शिफ्ट में? बच्चों के अभिभावक बता रहे हैं कि बच्चे उल्टी, दस्त और सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों से जूझ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को अस्पताल में बिस्तर भी नहीं मिल पा रहा है और वे यहां जमीन में लिटाकर ही बच्चों का उपचार करा रहे हैं। मेरा हरिओम द्विवेदी, बच्चा का वरुण द्विवेदी। कितने साल का है ये? 4 महीने। क्या है, क्या दिक्कत है? इसको सर्दी जुकाम थी एक हफ्ता पहले, तो अब यहाँ बहुत बढ़िया हो गया, हमने सही आराम। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि सर्दी के इस मौसम में जब शीत लहर चलती है तब बच्चों को इस मौसम में बचाव करना चाहिए, उनका इस तरह की बीमारी से बचाव करना चाहिए और अगर शुरुआती लक्षण निमोनिया जैसे लगते हैं तो तुरंत उपचार कराना चाहिए। राबिया खातून। बच्चे कितने साल का है? डेढ़। क्या दिक्कत है इसको? उल्टी बस हो रही है। कितने दिन से बढ़ती है? 3-4 दिन। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।